हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और हम भी एकदम अच्छे से हैं। तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं लगभग अभी 10, और सुबह के 10 बज रहे हैं। मैंने अपने ब्लॉग की है शुरुआत। बाकी ना मौसम ना बहुत ही भयंकर हो रहा है, इतनी तेज़ धूप हो रही है कि भाई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सुबह के 10 बज रहे होंगे। बहुत ही तेज़ चमक वाली धूप लग रही है, ऐसी धूप में ना बिल्कुल रहा भी नहीं जा रहा है। तो दोस्तों अभी ना घर के ना सारे काम तो निपट ही चुके हैं और बाकी बस आदवी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम आदवी को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और अभी ना सुबह से कुछ ऐसा नहीं था कि लेके जाना है, क्योंकि क्या था कि आदवी को थोड़ी सी क्या दिक्कत हो रही है कि वो ना टॉयलेट करने में ना रो रहा है। जैसे उसे टॉयलेट आ रही होगी ना, तो पता नहीं क्या दर्द हो रहा है या जलन हो रहा है, तो ऐसे कोई उसको दिक्कत हो रही है। तो हमने ना अभी डिसाइड करा है कि हम ना उसको डॉक्टर के पास एक बार दिखा देते हैं। सुबह से तो ऐसा कोई सीन नहीं था, लेकिन वो जैसे रो रहा है तो हमने सोचा चलो एक बार दिखाई देते हैं। तो अभी मैं और हस्बैंड जा रहे हैं आदवी को डॉक्टर के पास लेके, और बाकी अक्कू तो स्कूल जा चुकी है और घर के भी काफ़ी सारे काम निपटाए दिए हैं। बस लंच बनाना बाकी रह गया है, तो गुड्डी बना देगी और हम जा रहे हैं आदवी को डॉक्टर के पास लेके। और धूप इतनी भयंकर हो रही है ना, बस क्या ही करें। तो एक बार ही पहले मैं पापा को कॉल करके ना पूछ लेती हूँ कि पापा यहाँ पे है या नहीं है, क्योंकि हम उनकी गाड़ी लेके जाएंगे। और अब तो गाड़ी भी नहीं है और एक्टिवा में ऐसी धूप में जाना सही नहीं है। वैसे ही आदवी की तबीयत ख़राब हो रही है और इतनी तेज़ धूप में ना और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, और बस मैं रेडी होती हूँ और आदवी को भी रेडी करते हैं, फिर निकलते हैं। बता तो सही, तो कहाँ जा रहा है, बता दे कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा आदि। चलो चलो आदि जा रहा है डॉक्टर के पास, है ना। आदू आदू गिरियो मत, आजकल पानी आ रहा है ना भाई। तो घर से आते ही दोस्तों सबसे पहले आगे सफर में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे अपने गांव का शुद्ध पानी भर लेते हैं, है ना। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे दूध होगा, दूध है वो, दूध लग रहा पूरा। हाँ भाई, हमारे यहाँ पहले पानी आता नहीं था, जब आ रहा तब दूध आ रहा सीधा, तब दूध ही आता है सीधा पानी की जगह। ये आदि का सीपर है, इसको भी धो लेते हैं यहाँ पे, है ना। पानी नहीं भरेगी तो धो देते हैं। ठंडा नहीं है अभी, हम पहुंच गए हैं दुकान में रोड में, और आदि को ना आते ही नानू ने दे दिए रोटी, दे दिया नानू ने, है ना। इसने थोड़ी सी पी, एक दो सिप वापस कर रहा है। तो ले 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 ले, नानू से ले ले, देख ले 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 रहा, देख मैं पी रहा हूँ, ये देख नानू पी रहे। वो कह ही रहा है कि आप ही पी लो, जरा आप पी लो। पापा को दे, मम्मी को दे, मम्मी को दे, ले मम्मी को दे। मैं पीऊं, चलो कौन सी गाड़ी, तो नानू की गाड़ी में जाएंगे, है ना। नानू की गाड़ी में जाएगा ना, नानू की गाड़ी में जाएगा ना, ये तो बोलता है। तो अभी दोस्तों मैं आई थी दुकान से थोड़ा सा नीचे अपनी बहन के घर पे, और क्योंकि अक्कू गई है स्कूल, तो आज ना वो यहीं पे ही रहेगी जब तक हम ना देवप्रयाग से आते हैं। तो जब हम देवप्रयाग से आ जाएंगे डॉक्टर को दिखा के आदमी को, तब हम घर लेके जाएंगे, तो तब तक ना वो यहीं पे ही रहेगी। और ये है मेरी बहन, इसका भी आजकल स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, और नया डॉगी आ गया भाई यहाँ पे, ये देहरादून का डॉगी है भाई। कर दो कुछ, हाँ मुझे तो डर लग रहा है, तो फैमिली कुत्ते हैं ये, तो वैसे ही थोड़ी भूखनी भी नहीं है। अब ये कहां से, देख हां से तभी हो रही है, और उसकी गुन्नू की, गुन्नू की कहां। तो अभी दोस्तों हम निकल चुके हैं देवप्रयाग के लिए, और पापा हमारे साथ ना यहां थौल तक ही आए थे, यानी कि जहां पे अक्कू का स्कूल है वहीं पे उनको काम होगा तो वहां तक आए थे। बाकी हमारी गाड़ी तो सेल हो चुकी है, तो इसलिए हम पापा की गाड़ी लेकर आए हैं, है नहीं, क्योंकि आदवी को लेकर आए हैं ना। तो एक्टिवा में ना बहुत ज़्यादा धूप लगती है और फिर मौसम का भी पता नहीं है, कभी बारिश ही शुरू हो जाए शाम के टाइम पे, तो इसलिए हमने पापा से गाड़ी मांग ली थी। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे लकड़ी की भारी भी रखी हुई है, और सामने से भी ना घास लेके आ रहे हैं, तो जंगलों में ना इस साइड में बकरियाँ वगैरह चरा रहे हैं कुछ अपनी गाय को, रोड इतनी पतली हो गई घास की वजह से, रोड ही नहीं दिख रही भाई, चारों तरफ आप देख सकते हैं घास, चारों तरफ नहीं दोनों तरफ है ये, चार तरफ है, दो तरफ एक अंदर एक बाहर। हाँ यार चारों तरफ तो आ जाता है ना मुंह में बोलने में, ऐसा कि ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी घास ही घास, दो ही तरफ तो हो गए आगे पीछे कहां। ये देखो इस साइड भी ना सब लोग लगे हुए हैं झाड़ी वगैरह काटने में, ऐसा ना
एंजॉय कर रहा, गाड़ी में आती बहुत खुश रहता है भाई। ये देखो मजे से ना इधर उधर सब जगह देख रहा है, बस इसका हाँ नहीं हो रहा, इसका इलाज नहीं हो रहा, बस हाँ हाँ करे जा रहा है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और आप देख ही सकते हैं कितना इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है भाई, खचाखच गाड़ियां भरी हुई है ऊपर नीचे की साइड। और आदि देखो सो गया, जल्दी उठ गया था सुबह 6:30, 5 और 6 के बीच में, तो इसलिए ना आप उसे नींद आ गई तो आराम से सो गया। नहीं यार थोड़ा कहाँ उधर है, थोड़ा बहुत उधर जाऊंगी। तो अभी दोस्तों हमने ना गाड़ी भी पार्क कर ली है पीछे, और गाड़ी लगाने के लिए ना बिल्कुल भी इस साइड में आगे जगह ही नहीं है, ऊपर की साइड भी गाड़ियाँ लगी हुई है, नीचे की साइड भी गाड़ियाँ लगी हुई है और दोनों साइड भर रखी है, तो हमें ना बहुत पीछे गाड़ी लगानी पड़ी, यानी पैदल पैदल अभी काफ़ी जाना है। और आदि ना अपने पापा के पास जा ही नहीं रहा भाई गोदी में, आदि कहाँ आया, ले पी ले फ्रूटी, फ्रूटी भी नहीं पी रहा यार, पी ले, गिराना नहीं नीचे, ठीक है गिराना दे। देखा पता सारे सब्सक्राइबर होंगे हमारी वीडियो देखते होंगे इसलिए वो कैमरे पे हाई कर रहे थे, पर उन्होंने बोला नहीं है ना। ये देखो स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी हो गई, हेलो करो, हेलो हो गई आपकी छुट्टी, हाँ जी हेलो बाय बाय। ये देखो इनकी ड्रेस देख के ना आपको की भी याद आ रही है, नमस्ते नमस्ते, ये छुट्टी ये की छुट्टी तीनों निको, अच्छा ये तो छोटी भाई यार बड़ी, अच्छा भाई छोटी बात में होंगी ना बजा, हाँ बजा बाबू। तभी दोस्तों बना दी है शाम की चाय, और ना देवप्रयाग से ना पहुंच गए थे 2 बजे घर पहुंच गए थे, लेकिन ना इतनी ज़्यादा थकान लग गई थी कि घर आके खाना खाया और फिर ना हम सो गए थे, तो अभी जाके थोड़ा देर रेस्ट किया और अभी शाम की चाय बन गई है, तो चाय पी रहे हैं सबके सब बैठे हैं यहाँ पे। और अक्कू भी आ गई थी स्कूल से और आदि ना बाहर खेल रहा है, तो अभी ये देखो आदि आदि बॉल के साथ खेल रहा बाहर, तो हम चाय पी लेते हैं। और बाकी आदमी के लिए हम दवाई वगैरह ले आए हैं, तो डॉक्टर ने यही बोला कि आदमी को ना गर्मी हो गई है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाओ, पर हम पानी कैसे पिलाएंगे, आदमी ना पानी पीता ही नहीं है भाई, कितनी भी कोशिश कर लो पानी नहीं पीता, बस फ्रूटी वगैरह तो पीता है लेकिन पानी ना बहुत कम पीता है, और ज़्यादा तो क्या दिक्कत है कि खाना वगैरह भी नहीं खाता अच्छे से, तो इसलिए भी गर्मी हो जाती है बच्चों को। तभी दोस्तों हम लोगों ने ना चाय पी ली है और आदमी ना अंदर आ गया है, ये देखो तो कैमरे में कैसे देख रहे हैं, बस खत्म नहीं होगा आदि, ठीक है ना आदि, आदि और ये है यहाँ पे अक्कू, और अक्कू की पढ़ाई चल रही है, कितने घंटे पढ़ाई करती है अक्कू, 2 घंटे। ये रहा दोस्तों आदि के यहाँ पे, और अभी ना आदि को स्लीपर में पानी दिया है पीने के लिए, तो पी रहा है अभी आदि पानी, आई आराम से, क्या हुआ आराम से। बाकी धूप देखो सामने पहाड़ों पे चली गई नीचे गदेरे में, और आज ना धूप भी काफ़ी तेज रही बहुत भयंकर, बाकी ना देवप्रयाग साइड में भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, भयंकर वाली गर्मी, गाड़ी में तो ऐसा हो रहा था कि भाई कब हम घर पहुँचे, और गाड़ी में तो कुछ ज़्यादा गर्मी लगती है, गिर जाएगी वो ऐसे में आती गिर जाएगा, नीचे बैठो वहाँ पे, नीचे बैठो, नीचे बैठो, बैठो वहाँ पे, अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो आदि,
बाकी इधर छत में ना ये बुआ ने ना जो जख्या है ना उसको काटा था, फिर बाकी सुखा के ना उसको जख्या तो उससे निकाल दिया है, और बाकी इसमें थोड़ा बहुत बचा होगा ये रखा है यहाँ पे, और ये जो बोरियाँ इनमें है मंडवा काट के रखा हुआ है, यानी मंडवे की लवाई भी कर दी उन्होंने, क्योंकि ना बंदर वगैरह भी खा रहे थे और रात को ना जंगली जानवर भी आते हैं तो वो भी नुकसान करते हैं, दिन में बंदर आ जाते हैं, चिड़िया खा रही है, तो इसलिए सब लोगों ने जल्दी जो जो हुआ था ना वो तो काट दिया, बाकी हरा है जो बहुत ही मतलब बिल्कुल उसमें दाना नहीं पड़ा हुआ वो नहीं काटा है, तो वो थोड़े टाइम बाद काटेंगे जब वो अच्छे से पक जाएगा। बाकी दोस्तों अभी हम लोगों ने चाय पी है तो अभी मेरे शाम के ना बहुत सारे काम रहते हैं तो वो मैं निपटाती हूँ, और मम्मी तो चली गई हैं घास के लिए, शाम के टाइम पर भी घास लाना पड़ता है, अगर जिस दिन सुबह ना लाए तो। बाकी आत्विक ना खेलने में लगा हुआ है।